हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजीसी ऑन डॉट माय सेल्फ कंचन। टुडे इन दिस वीडियो आई शैल डिस्कस टू यू अबाउट फ्यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी आस्क्ड इन टीजीटी एग्जाम। सो लेट स्टार्ट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। टीआई प्लाज्मिड यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट बैचलर थ्रोजेनेसिस, सेकेंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनेस, थर्ड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस एंड फोर्थ स्यूडोमोनास सिरिंगाई। सो इसका सही ऑप्शन होगा एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। टीआई प्लाज्मिड विच अकर्स इन द सोयल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस। इट इज इफेक्टिवली यूज एज वैक्टर फॉर जीन ट्रांसफर टू प्लांट सेल। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस आल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बिकॉज जीन कैरिड बाई इट्स प्लाज्मिड प्रोड्यूस इफेक्ट इन सेवरल पार्ट ऑफ द प्लांट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांसग्रेशन, सेकेंड हाइब्रिडोमा, थर्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन। सो इसका सही ऑप्शन होगा हाइब्रिडोमा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे आर प्योर एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन विच आर ऑब्टेन थ्रू क्लोनल कल्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाई फर्स्ट रिमूविंग पेन, सेकेंड कम्पिटेटिव इनहिबिशन, थर्ड टर्निंग द पैथोजेंस आउट ऑफ द बॉडी एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो इसका सही ऑप्शन होगा कम्पिटेटिव इनहिबिशन। एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाई कम्पिटेटिव इनहिबिशन। सपोज डैट एग्जाम्पल, क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कम्पिटेटिव इनहिबिटरी मैकेनिज्म। मेथनॉल पॉइजनिंग के मामले में यदि कोई पर्सन मेथनॉल को एल्कोहल समझ के पी लेता है तो उसके बॉडी में मेथनॉल को एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज द्वारा हानिकारक फॉर्मेल्डिहाइड में बदल दिया जाता है, जिससे मेथनॉल के प्रभाव को कम करने के लिए एल्कोहल की उच्च डोज को दिया जाता है, क्योंकि एल्कोहल प्रतिस्पर्धी रूप से एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के एक्टिव साइट के साथ बच जाता है, जिससे मेथनॉल के प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। फर्स्ट म्यूटेशन वनली, सेकेंड रिकॉम्बिनेशन वनली, थर्ड आइसोलेशन वनली एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, आइसोलेशन, चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल सेलेक्शन बिसाइड द अबव फाइव फैक्टर्स दे आर टू मोर प्रोसेस विच कॉज इवोल्यूशनरी चेंजेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड। फर्स्ट साइटिडिन, सेकेंड गुआनिलिक एसिड, थर्ड थायमिडिन एंड फोर्थ गुआनोसिन। सो इसका सही ऑप्शन होगा गुआनिलिक एसिड। गुआनिलिक एसिड ए न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। व्हेन ए न्यूक्लियोसाइड इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम ए नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, दैट इज थायमिडिन, साइटिडिन एंड गुआनोसिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स कैरियर ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। फर्स्ट साइटोक्रोम, बी ऑब्लिक एफ कॉम्प्लेक्स, सेकेंड क्यूनोन ए, थर्ड प्लास्टोसाइनिन एंड फोर्थ आयरन सल्फर सेंटर। सो इसका सही ऑप्शन होगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज मोबाइल। इट इज़ ए स्मॉल वाटर सॉल्युबल एंड कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग स्ट्रक्चर फाउंड इन द अमाइनो एसिड। फर्स्ट सिस्टीन, सेकेंड स्पार्टिक एसिड, थर्ड ग्लूटामिक एसिड एंड फोर्थ टायरोसिन। सो इसका सही ऑप्शन होगा टायरोसिन। द रिंग स्ट्रक्चर्स फाउंड इन टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनिल एलिनिन। दी एरोमेटिक साइड चेन ऑफ दीज अमाइनो एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर UV एब्जॉर्प्शन। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन एब्जॉर्ब 280 nM एंड यूज फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिकुलर सीजर इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, सेकेंड एस वन न्यूक्लिएजेस, थर्ड टैग पॉलीमरेज एंड फोर्थ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। सो इसका सही ऑप्शन होगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट आल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन ए न्यूक्लियस इज फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, थर्ड राइबोसोमल सिंथेसिस एंड फोर्थ क्रोमेटिड सेपरेशन। सो इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोमल सिंथेसिस। द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन ए न्यूक्लियस इज राइबोसोमल सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन फ्री ऑर्गेनेल दैट मेक राइबोसोम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, होंगोडिवरीज फर्स्ट ऑब्जर्व म्यूटेशन इन फर्स्ट रिस्नस कॉम्निकस, सेकेंड एर्जीमोन मैक्सिकाना, थर्ड ट्रिटिकम एस्टिवम एंड फोर्थ ओइनोथेरा लैमार्कियाना। सो इसका सही ऑप्शन होगा ओइनोथेरा लैमार्कियाना। होंगोडिवरीज वर्कड ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना और इवनिंग प्रिमरोज, म्यूटेशन टर्म गिवन बाय होंगोडिवरीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेशर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोमोटर जीन, सेकेंड रेगुलेटर जीन, थर्ड स्ट्रक्चरल जीन एंड फोर्थ ऑपरेटर जीन। सो इसका सही ऑप्शन होगा रेगुलेटर जीन। रिप्रेसर जीन इज द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन। ए रेगुलेटरी जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ डीएनए इनकोडिंग ए रेगुलेटरी प्रोटीन सच एज रिप्रेसर और आरएनए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन पिरिमिडिन बाय अनदर पिरिमिडिन इज नोन एज फर्स्ट डिलीशन, सेकेंड इंसर्शन, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांसवर्जन। सो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रांजिशन। ए नाइट्रोजिनेस इज रिप्लेस बाय अनदर ऑफ द इट्स टाइप दैट इज वन प्यूरिन इज रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन व्हाइल वन पिरिमिडिन बाय अनदर पिरिमिडिन। व्हाट इज ट्रांसवर्जन? ट्रांसवर्जन ए नाइट्रोजिनेस इज रिप्लेस बाय अनदर ऑफ इट्स टाइप दैट इज वन प्यूरिन इज रिप्लेस बाय अनदर पिरिमिडिन नोन एज ट्रांसवर्जन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सेकेंड पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड कॉम्प्लीमेंटरिटी विथ सेम प्रोब एंड फोर्थ रेस्ट्रिक्शन मैप ऑफ द डीएनए। सो इसका सही ऑप्शन होगा पैटर्न ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए इज कट इंटू फ्रेगमेंट विथ साइट रिकॉग्नाइजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ एनालिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलस एक्वेटिकस? फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सेकेंड टैग पॉलीमरेज, थर्ड डीएनए लाइगेज एंड फोर्थ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। सो इसका सही ऑप्शन होगा टैग पॉलीमरेज। द फर्स्ट वन यूज टैग पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ आरएनए एज ए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए? फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड फोर्थ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो इसका सही ऑप्शन होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट इज ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच अलाउ दीज वायरसेस टू कॉपी आरएनए इनटू डीएनए। थैंक्स टू ऑल व्यूवर्स स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल लाइक आवर वीडियो। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विजीसी ऑन डॉट। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your friends and to get the latest notification of new uploaded video please press the bell icon button। thank you। Jai Hind, Jai Bharat।